hello friends welcome again in my youtube channel of biology concepts so today in this video we are going to discuss a very interesting topic and one of the very important topic for your board exams and the, and this topic is very conceptual also so in this video i'm going to discuss about hypertonic solution and hypotonic solutions actually there are two type of solutions hypertonic hypotonic and one more solution i will discuss in I will discuss on later. That is isotonic solutions. So in this video, I am going to discuss about basically about hypertonic and hypotonic solutions. Okay. So we are going to discuss about uh, hypotonic first. So in this type of solution, what is going to happen? In this solution. In this solution. सोल्यूशन कंसंट्रेशन इज लेस देन ए सोल्यूशनट्रेशन इज लेस देन ऐसा सोल्यूशन जिसकी की कंसंट्रूज सोल्यूशन हुए इज लेस देन सेल सैप सेल्स एप से अगर उसका कंसंट्रेशन कम है और इनसाइड द सेल सेल्स एप या इनसाइड द सेल इनसाइड ऑफ ए सेल मीन सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है और सेल के बाहर का कंसेंट्रेशन कम है दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ऐसा सॉल्यूशन जहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगा सॉल्यूशन सोल्यूशन हुए इज मोर देन सेल्स एप और इनसाइड द सेल आपको इसमें मैं एक डायपिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पर आप देखिए सपोज ये कोई सॉल्यूशन है एक बीकर है इसके अंदर कोई ये सॉल्यूशन रखा हुआ है सपोज और यहाँ पे कोई दूसरे कलर से मैं सेल लेकर आ रही हूँ सपोज दिस इज सेल तो सेल के अंदर का कंडीशन तो सॉरी ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने दिस इज हाइपर दिस इज नॉट हाइपरटोनिक दिस इज फॉर हाइपोटोनिक so you can correct here in hypertonic what happens this concentration will be more that will be more you have to write here more and here it will be less okay hypo means less remember this point so you can write here this point uh, hypertonic you have to write solution is more than cells are एंड हर यू विल राइट कंसंट्रेशन इज लेस अब आप देखिए और ये एक ऐसा सोल्यूशन जो बाहर के सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है और अंदर के सोल्यूशन सेल सैप है या फिर जो सेल के अंदर का कंटेंट है वहां का कंसंट्रेशन ज्यादा है ऐसे टाइप के सोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन और जस्ट हाइपोटोनिक कंडीशन में हम लोग जस्ट इसका उल्टा बना सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे क्या होने जा रहा है मैं अगेन यहाँ पे एक बीकर ले ली हूं और आपको दिखा रही हूँ कि हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या है सपोज ये कोई सॉल्यूशन है इस बीकर के अंदर और यहां कोई सेल रखा हुआ है अंदर और आप ये कह सकते हैं कि सेल के बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर का कंसंट्रेशन कम है तभी मैंने ये पॉइंट लिखा है कंसंट्रेशन इज मोर देन सेल और सेल सैप और इनसाइड द सेल ओके दूसरा पॉइंट अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकती हूं कि यहाँ पर जो प्लांट सेल है वो प्लाज्मोलिसिस में जाएगा प्लांट सेल अंडरगोज इन प्लाज्मोलिसिस प्लांट सेल अंडरगोज इन प्लाज्मोलिसिस और प्लाज्मोलिसिस कब होगी कैसे सॉल्यूशन में ये पॉइंट जस्ट थोड़ा सा रिवर्स जा रहा है अगर हम लोग हाइपोटोनिक की बात करें तो हाइपोटोनिक में सेल कैसा हो जाएगा टर्जिड हो जाएगा तो आप डी प्लाज्मोलिसिस की कंडीशन इसको करिए और इस कंडीशन में टर्जिडिटी अचीव होगी दिस विल बी अचीव टर्जिडिटी जब हम लोग हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे और यहां पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं प्लांट विल अंडरगो इन प्लाज्मोलिसिस हाइपरटोनिक में दैट विल बी प्लाज्मोलिसिस इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस नेक्स्ट पॉइंट हम लोग एक पॉइंट लाइन में अगर इस बात को डिस्कस करना चाहें कि हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं तो चलिए दोस्तों हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं अगर हम लोग हाइपरटोनिक की बात करें तो हाइपरटोनिक में आपको मेन पॉइंट क्या याद रखना है की पॉइंट आप की पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं हाइपरटोनिक के लिए हाइयर सोल्यूट कंसेंट्रेशन यहाँ पे सोल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा हाइयर सोल्यूट कंसेंट्रेशन देन इन साइड द सेल सेल के अंदर से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो बाहर के सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा और अगर हाइपो की बात करें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लोअर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन कम होगा देन इनसाइड द सेल देन इन साइड द सेल और अगर हम लोग आइसोटोनिक एक टर्म आता है मैं इसको यहाँ पे एक दूसरे कलर से लिख देती हूँ रेड कलर आई एम यूजिंग फॉर आइसोटोनिक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू कैन नोट इन योर नोट आइसोटोनिक आइसोटोनिक का मतलब जब सॉल्यूशन के पास सेम कंसंट्रेशन हो आइसो का मतलब ही सेम है सेम कंसंट्रेशन ऑफ वॉटर वेन ए सॉल्यूशन सेम कंसंट्रेशन ऑफ वॉटर एंड सोल्यूट जो भी सॉल्यूट है और जो वॉटर का कंसंट्रेशन है वो सेम है एज इज इन साइड अ सेल सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों कहा दोनों के अंदर जो भी सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन है वो बाहर सेल के अंदर या सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है दोनों को इक्वल रखा गया है तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे आइसोटोनिक में सेम और हाइपरटोनिक में मोर एंड हाइपोटोनिक में लेस तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स आपके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होगा एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर रूट प्रेशर वी विल डिस्कस एंड वन मोर थिंग डिस्कस अबाउट टर्जिडिटी एंड फ्लेसिडिटी वी विल डिस्कस एंड आफ्टर दिस वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ट्रांसपेरेशन प्रोसेस तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे और लगातार आपके रिवीजन में काफी हेल्पफुल होंगे ये सारे वीडियोस और आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें ये बिल्कुल भी मत सोचे कि एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए तो नहीं होंगे एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे आप अभी भी अपनी तैयारी वैसे ही रखें कि आपको एग्जाम कभी भी देना पड़ सकता है सो बी अलर्ट फॉर योर एग्जाम एंड कीप योर कंटेंट रिवाइजिंग सो आई होप फ्रेंड्स वी विल मीट सून वंस अगेन थैंक यू फॉर लिसनिंग मी कंटिन्यूअसली एंड सपोर्टिंग मी